प्रदेश में बरसात का कहर लगातार जारी है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नुकसान की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर ठियोग विधानसभा क्षेत्र विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने राज्यपाल से मुलाकात की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वे निरंतर दौरे पर हैं। नारकंडा व ठियोग में पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है, जिसमें अधिकारियों को संपर्क मार्ग जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को असुविधा न हो। वहीं नुकसान की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को कर प्रभावित किसानों को सरकार मुआवजा प्रदान करेगी, ऐसी आशा उन्होंने जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्यपाल से बैठक कर उन्हें क्षेत्र की स्थिति के बारे में अवगत करवाया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आशा जताई है कि केंद्र सरकार इस आपदा की स्थिति में हिमाचल की मदद करेगी। देखिए, यूं तो पूरे देश में नुकसान हुआ है और हमारे प्रदेश में भी नुकसान हुआ है और खासकर हमारा जो जिला शिमला है वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वहाँ दौरे पे हूँ और मैं जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्वयं गया हूँ और मैंने जाकर देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। हमारे कई जगह पे जो मकान है वो ढह गए हैं, लोगों को रहने की हमने अस्थाई व्यवस्था की है। कुछ लोग ऐसे भवन हैं जो असुरक्षित डिक्लेयर हुए हैं और वो लोग जो है अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरने के लिए मजबूर है। और हमारे जो सेब के बगीचे हैं वो कई जगह पर जो है बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है। और जो हमारे बागवान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो हमारे सड़कें हैं वो भी अच्छे हालात में नहीं है। जो छोटे छोटे रोड हैं वो वॉश आउट हो गए। तो मैंने एक दिन नारकंडा में जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक की, और पिछले कल हमने ठियोग में जो हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी हमने बैठक की। बीच में श्री जगत सिंह नेगी जी और रोहित ठाकुर जी भी आए थे, उन्होंने भी मेरे क्षेत्र का 4-5 पंचायतों का दौरा किया, उन्होंने भी परिस्थिति देखी। बहुत विकट है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके मार्ग खोलें, मार्ग खुल भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार बरसात हो रही है कई बार होता है कि रास्ता खुलता है फिर से रास्ता जो है बंद हो जाता है। जो प्रभावित परिवार है उनको भी सरकार की तरफ से जो उचित मुआवजा है वो दिया जा रहा है और हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पूरी रिपोर्ट इकट्ठी कर रहा है और जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की रिपोर्ट जो है सरकार को भेजेंगे। और हमें पूरी आशा है कि प्रदेश सरकार जो है जो भी प्रभावित हमारे किसान और बागवान हैं उनकी जो है मदद करेगी। आज मैं महामहिम राज्यपाल मोदी जी, उन्होंने मुझे कहा कि वो इस मामले ये मामला पूरा उनके संज्ञान में, उन्होंने केंद्र में बात की है, वो और भी केंद्र से बात करेंगे। और अभी कुछ अगस्त के पहले सप्ताह में नितिन गडकरी जी भी यहाँ आने वाले हैं, वो भी यहाँ देखेंगे नुकसान कितना हुआ है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी दिल खोलकर हिमाचल की इस आपदा में जो है मदद करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी प्रदेश सरकार है वो भी बराबर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। और अभी पिछले दिनों केंद्र की भी यहाँ टीम आई थी और अभी लोगों के आंसू पोंछने की ज़रूरत है।